Hey yo, what's up people, it's Faisal Pradhan and welcome back to my YouTube channel FJP Vlogs. So guys, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के बारे में. Let's start from the beginning. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. सो गाइज, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को भी टाइम लैप्स लेना सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. सो एंड उसको देख के आप चुटकी में टाइम लैप्स लेना सीख जाओगे. सो गाइस, मुझे प्रीवियस वीडियो में टोटल 11 कमेंट्स आए एंड आउट ऑफ 11 7 कमेंट्स था जो कि था रिगार्डिंग टाइम लैप्स एंड ट्यूटोरियल. सो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स गाइस. टू वेरी ऑनेस्ट, आउट ऑफ 7 कमेंट्स ऐसे 4-5 कमेंट्स था मेरे फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से. मेरे फैमिली मेम्बर मुझे पूछते रहते थे कि ये तूने कैसे किया, कहाँ से किया, दिस एंड दैट. एंड मैं बोलता था अभी नहीं, बाद में बताऊँगा, टाइम आने में बताऊँगा. सो फाइनली वो टाइम आ गया है एंड सो फाइनली गाइस, आई एम बैक विथ माई फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. ये ट्यूटोरियल लेने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. मैं बोलूँगा ज़रूरत नहीं, आप इफ़ आप लोगों के पास वो 3 चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ नॉट कोई बात नहीं. फर्स्ट इज़ फ़ोन, बेसिकली वो सबके पास होता है अभी. सेकेंड इज़ ट्राईपॉड, इफ़ आप लोगों के पास है तो ठीक है, इफ़ नॉट देन कोई बात नहीं, जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो जाता है. जिस किसी का भी आप टाइम लैप्स ले रहे हो, जस्ट उसके आगे आपको फ़ोन खड़ा करके रखना है, जस्ट मेक श्योर वो गिरे नहीं, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व. थर्ड इज़ पेशेंस, वो क्यों मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊँगा. सो गाइज, चलते मोबाइल की स्क्रीन की तरफ. सो हेलो गाइस, अभी आप जो देख रहे स्क्रीन में वो मेरा फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल टाइम फेवरेट. टाइम लैप्स लेने के लिए आप फ़ोन में भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में भी है टाइम लैप्स है, पर यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा. जस्ट आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जस्ट टाइम लैप्स है, उसमें आगे पीछे दाएं बाएं कहीं में भी सेटिंग्स नहीं है. तो आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से. आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे सिंपली लिखना है फ्रेम लैप्स. तो आपको ये डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है. इसको ओपन करते हैं. तो जैसे आप ओपन करोगे ये आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस आगे का. फर्स्ट का आप जो देख सकते हैं रिसेंट वीडियो जो आप टाइम लैप्स लोगे उसका आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकोगे एंड वीडियो गैलरी, आप यहाँ से सीधे वीडियो गैलरी जा सकते हैं. सेकेंड है वीडियो रेजोल्यूशन, जो इसको आपको हाईएस्ट में रखना है. सो थर्ड में आएगा फ्रेम इंटरवल. सो गाइस, आपको टाइम लैप्स लेते वक्त आपको पता रहना चाहिए कि आप जिस किसी का भी सब्जेक्ट के ऊपर टाइम लैप्स ले रहे हो आपको फ्रेम इंटरवल कितना रखना है. सो इसीलिए मैंने ऊपर में जो आपके राइट साइड में आ रहा है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और मैंने बताया कि कितना फ्रेम इंटरवल, कितना सेकेंड का स्पीड आपको वहाँ पे रखना है. सो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा. जैसे कि आपको वहाँ पर सनराइज सनसेट में कितना रखना है, फास्ट मूविंग क्लाउड्स, स्लो मूविंग क्लाउड्स, ट्रैफिक, ग्लोइंग फ्लावर्स और शेडोज कितना रखना है, वहाँ पे इंटरवल दिया है. सो गाइस, वहाँ पे आप देख के टाइम लैप्स ले सकते हैं. सो गाइस, आता है फोर्थ ऑप्शन जो कि है वीडियो ड्यूरेशन, उसको रखना है आपको इन्फिनिट में. सो गाइस, लास्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में आ रहा है सेल्फ टाइमर, उसको ऑफ में रखना है. सेकेंड में आ रहा है ऑटो फोकस, उसको ऑटो में ही रखना है. थर्ड में आ रहा है वाइट बैलेंस, डिपेंड गाइस ये आप किस जगह से ले रहे हो, डे लाइट, क्लाउडी डे लाइट, ट्वाइलाइट शेड्स, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो. एंड फोर्थ में आता है फिल्टर इफेक्ट्स, हम लोग को फिल्टर नहीं चाहिए इसके लिए नॉन में. सो फॉर लास्ट में आता है एक्सपोजर कंपनसेशन, ये डिपेंड करता है गाइस आप इनडोर में ले रहे हो या आउटडोर में, मतलब डिपेंड करता है. अब इंडोर में आपका लाइट बहुत ही कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो एंड बाहर से आप जब ले रहे हो टाइम लैप्स ले रहे हो बाहर जाके, बहुत ही डे लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको उसको रखना है माइनस में. सो गाइस, डिपेंड करता है.
एंड गाइस जो भी आप सेटिंग वगैरह करोगे वो ऊपर आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। एंड नीचे का आप सेटिंग्स को कोई कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रख देना है। एंड अभी खाली आपको सब्जेक्ट ढूंढना है टाइम लैप्स के लिए, एंड नाउ यू आर गुड टू गो। सो गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्यों? एज एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा टाइम लैप्स शेयर करने जा रहा हूँ 12 सेकेंड का, वो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्यों। तो गाइस जैसे कि आपने वो टाइम लैप्स देख लिया है, वो 12 सेकेंड का टाइम लैप्स लेने के लिए मुझे लगा 30 to 35 मिनट्स। जी हाँ गाइस, उस 12 सेकेंड के लिए मुझे रुकना पड़ा 30 to 35 मिनट्स। बेसिकली डिपेंड करता है आप कितने सेकेंड्स के इंटरवल में आप टाइम लैप्स ले रहे हो। ज़्यादातर मैं लेता हूँ 5 सेकेंड्स के इंटरवल में, सो मुझे लगा 30 to 35 मिनट्स। सो गाइस आपने देख ही लिया होगा आपको कितना कितना पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो शूट किया तो टाइम लैप्स बन गया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ही रुकना पड़ेगा, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको टाइम लैप्स लेते वक्त। सो गाइस कैसा लगा मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। सो गाइस एज यूजुअल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम faisaljoshi95। प्लीज डू सपोर्ट मी बिकॉज एवरी सब्सक्राइबर्स काउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू गाइस माई नेक्स्ट वीडियो। पीस। It's alright. Hush.